एक गांव में खंडहर था। उस खंडहर में एक चंपा चुड़ैल अपनी बेटी शीला के साथ रहती थी। शीला को पता नहीं था कि उसकी माँ चंपा एक चुड़ैल है। चंपा रोज सुबह गांव में उड़ते हुए जाती और वहां से खाने का सामान ले आती। वो शीला के सामने एक आम औरत का रूप लेकर रहती थी, लेकिन गांव वालों को पता था कि वो एक चुड़ैल है। इस तरह से शीला और चंपा के दिन कट रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शीला बड़ी होने लगी और खंडहर से बाहर जाने के लिए जिद करने लगी। माँ, मैं अकेले रहते रहते ऊब गई हूँ, मुझे भी बाहर जाना है। ना ही मेरे कोई दोस्त है, ना ही कोई हमसे मिलने जुलने आता है। बेटी, बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, हम लोग यही ठीक है। बाहर जाएगी तो तेरी और मेरी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। माँ, तुम भी कितना डरती हो लोगों से। लगता है अकेले रहते रहते तुम्हें अकेले रहने की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं होता, बस कल तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है, लेकिन चंपा शीला की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। ये शीला को क्या हो रहा है? इसे कैसे समझाऊं कि मैं चुड़ैल हूँ और लोग मुझसे डरते हैं, प्यार नहीं करते। मुझे देखकर तो वो लोग भाग जाएंगे, इससे कौन दोस्ती करेगा। अगली सुबह शीला गांव में जाने के लिए तैयार होकर आती है। माँ, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। भला ये भी कोई पूछने की बात है? मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी है, हमेशा ही सुंदर दिखती है। तो चलो मेरी प्यारी माँ मुझे लेकर। शीला की जिद के आगे चंपा विवश हो जाती है और शीला को लेकर उड़ते हुए जाने लगती है। शीला जब आसमान में होती है तो चंपा शीला को बोलती है। मजा आ रहा है माँ, ऊपर से नीचे सब कितना छोटा दिख रहा है। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, तुम तो आसमान में उड़ रही हो, लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पाती? मुझे भी उड़ना है। बेटा, इसीलिए तो मैं तुझे कह रही थी कि अभी तू छोटी है, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, और अभी लोगों से मिलना जुलना ठीक नहीं है। कल को बड़ी होगी तब जितनी मर्जी दोस्ती कर लेना, मैं तो कहती हूँ वापस चलते हैं। माँ, बहुत चालू हो तुम, आपके पास एक से एक बढ़िया बहाने होते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं तो आज आपके साथ गांव के अंदर जरूर जाऊंगी, चाहे आप कितने भी बहाने कर लो। फिर चंपा शीला को लेकर एक आम के बाग में उतरती है। आम को देखकर शीला बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह माँ, कितने अच्छे आम हैं, मैं तो खाकर ही आगे गांव में जाऊंगी। फिर शीला आम खाने लगती है, तभी वहां से कुछ गांव वाले गुजर रहे होते हैं, जो कि शीला को देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अरे भागो, अरे भागो भैया, अरे भैया ये तो चुड़ैल है, अरे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भैया। गांव वालों को ऐसे भागते देखकर शीला हंसने लगती है और चुड़ैल घबरा जाती है। जिसका डर था वही हो रहा है, लोग मुझे देखकर घबराकर भाग रहे हैं, मेरा असली रूप क्या है ये लोग जानते हैं, इसलिए डर रहे हैं मुझसे, अब क्या करूं? तभी शीला बोलती है। माँ, ये लोग तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई चुड़ैल देख ली हो। बेचारे कितने सीधे हैं। फिर शीला और चुड़ैल गांव में चले जाते हैं। चुड़ैल को देखकर गांव वाले घर के अंदर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद आते हैं तो उनके हाथ में खाने पीने का सामान होता है। वो सब सामान लाकर चंपा के पैरों में रख देते हैं और फिर सब अपनी गर्दन झुकाए हुए वापस अपने घरों में चले जाते हैं। ये सब देखकर शीला हैरान हो जाती है और चुड़ैल से पूछती है। अरे माँ, ये सब गांव वालों को क्या हो रहा है? हम दोनों के आने से पहले ये लोग तो बिल्कुल ठीक थे, अब डर गए। पहले बच्चे भी खेल रहे थे, लेकिन हम दोनों को देखकर कितने डर गए हैं और बात भी नहीं कर रहे। शीला की बात सुनकर चंपा हंसने की एक्टिंग करती है और बोलती है। हाँ बेटी, मैं भी हैरान हूँ, ऐसे तो ये लोग कभी नहीं करते, मैं तो जब भी आती हूँ इतने प्यार से बोलते हैं मुझसे, और तो और मेरी इज्जत भी इतनी करते हैं, लगता है किसी बात पर परेशान है बेचारे। चलो कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे और मैं अगली बार तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी गांव की किसी लड़की से। फिर चुड़ैल के समझाने पर शीला वापस चलने को राजी हो जाती है, लेकिन गांव वालों का ये व्यवहार उसे समझ नहीं आता और वो चुड़ैल का पीछा करने का ठानती है। कुछ दिनों बाद जब उनका खाना खत्म हो जाता है तो चुड़ैल फिर से गांव जाने के लिए निकलती है ताकि गांव वालों से कुछ खाने के लिए ला सके, लेकिन इस बार शीला उसका पीछा करने लगती है। मैं भी माँ के पीछे पीछे जाऊंगी ताकि सच का पता चल सके।
शीला चंपा के पीछे पीछे गांव में पहुंच जाती है और एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। तभी चंपा अपने डरावने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और चुड़ैल गांव के बीच में पहुँच कर गुस्से में चिल्लाती है, गाँव वालों बाहर निकलो अपने घरों से और मेरे पास आओ, और जो कुछ भी है खाने के लिए वो भी लेकर आ जाओ, नहीं तो मैं अभी के अभी पूरा गांव तबाह कर दूंगी। चुड़ैल की ऐसी धमकी सुनकर गांव वाले घबरा जाते हैं और अपने अपने घरों से खाने का सामान लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। बहुत समझदार हो तुम सब, एक बार में मेरी बात मान जाते हो। तभी गांव वालों के बीच में से एक गांव वाला रोता हुआ निकलता है। उसके कपड़े कटे फटे होते हैं और वो बहुत ही गरीब दिख रहा होता है। वो चुड़ैल से बोलता है, अरे मर गया रे चुड़ैल जी, आज के लिए मुझे बख्श दो, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमारे प्राण बख्श दो। रोज के बहाने, पिछली बार भी तूने कुछ नहीं दिया था, इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वाले को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और उसे मारने जा रही होती है कि तभी हरिया वहां आ जाता है और चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल जी इसे माफ कर दो, इसके हिस्से का अनाज मैं दे देता हूँ, माफ कर दो, इसे मत मारो। हरिया के कहने पर चुड़ैल उसे छोड़ देती और फिर सारा अनाज और खाने का सामान लेकर वहां से चली जाती है। ये सब शीला पेड़ के पीछे छुपकर देख रही होती है। ये मेरी माँ क्या कर रही है, इन बेचारे गांव वालों को क्यों सता रही है, मुझे असलियत जाननी होगी। ऐसा कहकर शीला गांव वालों के पास जाती है। गांव वाले शीला को देखकर डर जाते हैं। तुम तो वही हो ना, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो कल उस चुड़ैल के साथ आई थी। चुड़ैल के साथ, क्या बोल रहे हो भैया, वो तो मेरी माँ है, वो कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। शीला की इस बात पर गांव वाले हंसने लगते हैं और शीला को बोलते हैं, बेटी लगता है उस चुड़ैल ने तुम्हें झूठ बोला है, वो कोई इंसान नहीं है, वो तो एक चुड़ैल है जो कि इंसानों को मार कर खा जाती है। बेटा पता नहीं तुम कैसे जिंदा हो अब तक, क्योंकि तुम भी इंसान हो, एक इंसान की बेटी। हाँ, वो तुम्हारे आगे एक औरत के रूप में रहती है ताकि तुम्हें सच का पता ना चले, और हमारे सामने चुड़ैल बन जाती है। गांव वालों की ये बात सुनकर शीला को गहरा सदमा लगता है और वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। उधर चुड़ैल भी शीला को घर पर ना पाकर बहुत परेशान होती है। जैसे ही शीला घर पहुंचती है, कहाँ थी शीला, पता है कब से परेशान हो रही थी, क्यों मुझे भी खाना है जैसे तुम बाकी इंसानों को खा जाती हो, बोलो। ये क्या कह रही है शीला, तू तो मेरी बेटी है, भला मैं तुझे क्यों खाऊंगी, क्या हुआ बोलना। फिर शीला गांव वालों और उसके बीच हुई सारी बात चुड़ैल को बता देती है, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, बेटी शीला आज मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, हाँ ये सच है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं इंसानों को मार दी थी, लेकिन मैंने तुझे अपनाने के बाद कभी किसी इंसान को नहीं मारा। लेकिन माँ मैं कौन हूँ फिर, मुझे नहीं पता बेटी, मैं तो एक रात अस्पताल के आगे से जा रही थी, वहां तुझे कुछ कुत्तों के बीच घिरा पाया तो उठा लिया था कि वो कुत्ते तुझे मार कर ना खाएं। तुझे देखकर मेरी ममता जाग उठी, तब से ही मैं पाल रही हूँ तुझे। माँ लेकिन तुम गांव वालों को क्यों डराती हो, और मेरे माँ बाप कहाँ हैं? बेटी मुझे नहीं पता तुझे जन्म देने वाले माँ बाप कहाँ हैं। तुझे बचाने के बाद मैं कई दिन उस अस्पताल के आसपास ही रही, लेकिन कोई नहीं आया तुझे लेने। रही गाँव वालों को डराने की बात बेटी, अगर मैं उन्हें नहीं डराती तो तुझे क्या खिलाती, मैं तो माँ हूँ, अपनी बच्ची के लिए कुछ भी करूँगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर शीला चुड़ैल से लिपट जाती है। तुम बहुत अच्छी हो माँ, मेरी चुड़ैल माँ, लेकिन तुम अब से झूठ नहीं बोलना, और गांव वालों को दुखी मत करना, हम अपने जीने के लिए कुछ और नया रास्ता देखेंगे। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जैसा तू कहेगी अब से मैं वैसा ही करूँगी। फिर शीला अपनी माँ को लेकर गाँव वालों के पास जाती है। अरे चुड़ैल फिर से आ गई, अरे चुड़ैल जी अभी तो आप सारा अनाज ले गई, इतनी जल्दी जल्दी हम कहाँ से इतना अनाज दें आपको, बताइए। सरपंच जी आप चिंता मत करो, अब से आपको हमें कोई अनाज नहीं देना, ये मेरी माँ है और अब से ये आप में से किसी को परेशान नहीं करेगी। शीला सारी बात गांव वालों को बताती है और गांव वाले भी उनको गांव में रहने की इजाज़त दे देते हैं। चुड़ैल मुसीबत के समय में गांव वालों की मदद कर दिया करती, और गांव में ही
वो दोनों आराम से रहने लगी।